बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे YouTube फैमिली। आज जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है आलू कीमा मज़ेदार। तो पहले तो आप इसके साउंड को एंजॉय करें। आज मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, मुझे कुकिंग का साउंड बहुत पसंद है, तो लेट्स एंजॉय। वाओ, इट साउंड्स गुड, वेरी गुड। तो चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है एक दरमियाने साइज का प्याज, एक टमाटर, लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक और घी। जितना आपको चाहिए आप उतना यूज कर सकते हैं, ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा ले सकते हैं। और आधा किलो कीमा, आधा किलो कीमा। प्याज को काट लें और आलू, जब तक मैं कीमा बनाऊंगी तो तब मैं आलू को भी तैयार कर लूंगी। प्रेशर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं घी। हमेशा की तरह घी को मेल्ट करेंगे और पहले इसमें हम कीमा फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो ये कीमा गया, अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है आपने। इसको भूनना है, बस देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, देखते ही देखते इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये स्मेल खत्म करने का बहुत ही अच्छा टिप है। और इसके लिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी। आप नमक ज्यादा कम भी कर सकते हैं। तो ये देखे कीमा बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो चुका है और घी देखे कितना ट्रांसपेरेंट आपको नजर आ रहा होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, 1 अदद प्याज या दरमियाने साइज की, 1 टमाटर दरमियाने साइज का, 1 गड्डी लहसुन की और 1 टेबलस्पून अदरक मैंने ऐड किया है। इसको मैंने ग्राइंड करके पहले ही फ्रीज किया हुआ है। और 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है नमक। आप कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। और 1/2 टीस्पून हल्दी। अब मैं अच्छी तरह इनको भूनूंगी ताकि आप सब्जियां अपना पानी छोड़ दें, उनका भी पानी बिल्कुल ड्राई करना है। कलर भी चेंज हो रहा है, ये देखिए। ये बहुत ही मजे का, बड़ी सिंपल रेसिपी है, इसको एंड तक देखे। बहुत ही मजे का आलू कीमा बनने जा रहा है। तो जब तक कीमा पकता है इसको 10 मिनट स्टीम पे रखें। आलू को मैंने छील के काट लिए है और इसको नमक लगाएंगे। नमक लगा लें तो ताकि आलू के अंदर तक नमक चला जाए और फिर नमकीन से आलू बड़े मजे के लगते हैं। प्रेशर खोला है तो इसमें ये देखिए लहसुन अभी बिल्कुल उसी तरह ही है। अभी मैंने इसकी भुनाई करनी है तो साथ ही ये मसाले में मिक्स हो जाएगा। कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए मज़ेदार, ये देखिए बिल्कुल लहसुन और सारा कुछ खत्म हो गया, अच्छी तरह वो मिक्स हो चुका है कीमा। अब हम इसमें करेंगे आलू। मैं आलू को भी अच्छी तरह भूनूंगी ताकि जो कीमे की नमक मिर्च होती है आलू अपने अंदर जब जज्ब कर लेते हैं और वो बहुत अच्छे आलू का टेस्ट आता है। अगर वैसे ही आप फ़ौरन डालें, नमक भी डाल गए और ऐसे ही साथ पानी डाल दें, आलू अंदर से फीके रहते हैं। आपने पहले इसी तरह भूनना है ताकि ये नमक मिर्च अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें। तो अब गार्निशिंग करें हरी मिर्च और धनिया के साथ। अगर आपको भुना हुआ पसंद है तो आप भुना हुआ रख लें, अगर थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लें। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ओके जी, चलते हैं, खुदा हाफिज़।